बनाना था मिक्सचर, वो भी मैंने बना के तैयार रख लिया है। फिर मुझे याद आया कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि अभी शाम का टाइम है ना, थोड़ा सा गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है शाम के टाइम, तो फिर थोड़ा मन नहीं करता व्लॉगिंग करने का। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, फर्स्ट टाइम कुछ नई चीज मैं ट्राई कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ तो जरूर शेयर करनी चाहिए ना। तो देखते हैं कि कैसी बनती है कैसी नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, हमें दूध को ऐसे थोड़ा ना, जैसे खोया नहीं निकालते, बिल्कुल खोया नहीं निकालना, बट ये दूध इतना था और ये इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा और हमें कम करना है, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें ये वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। और ये मिक्सचर बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाया, जैसे हमने कच्चा नारियल नहीं होता उसको फोड़ के इसका पानी निकाल के, अगर पानी डालना चाहते हो तो वो भी आप मिक्स कर सकते हो, बट मैंने पानी नहीं इसमें ऐड किया, वो मैंने पी लिया है। तो इसमें मैंने क्या किया, दो हरी इलायची, जो छोटी वाली इलायची होती है हरी इलायची, वो इसमें डाली है, और एक कप दूध आप मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्सी में अच्छे से इसका पेस्ट बना लीजिए। और पेस्ट बनने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर इसके आप ऊपर वाला छिलका उतारना चाहते हो तो वो भी उतार सकते हो एज यू विश, बट मैंने तो कुछ का तो निकाल लिया था, कुछ का रह गया था, तो वो मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया। तो अभी मुझे बस वेट इस चीज का है कि दूध थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए, उसके बाद ये वाला मिक्सचर इसमें मैं ऐड कर दूंगी, और उसके बाद चीनी वो ऐड करना। तो देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए दूध में अच्छे से बॉईल आ चुका है, थोड़ा सा और ये गाढ़ा हो चुका है, तो इसमें ये मैं ये वाला मिक्सचर इसमें ऐड कर लू। अगर मैं बहुत ज्यादा अभी शोर करेगा इसको कर देती हूँ, तो इसको इसमें मैं डाल देती हूँ। देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, बट पता नहीं खाने के बाद कैसा लगेगा। और ना ही मेरे पास जो आइसक्रीम के जो बोल होते हैं, यू नो क्या बोलते हैं उनको, जो भी बोलते हैं कंटेनर होते हैं, वो भी नहीं है मेरे पास। जो नॉर्मल हमारी घर की कटोरियां होती है उनमें ही मैं आइसक्रीम कुल्फी वगैरह जो भी कुछ है वो ही यूज करेंगे। तो चलिए थोड़ी देर में आपको मैं दिखाती हूँ, जब ये अच्छे से तैयार हो जाएगी तो मैं तब आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए दूध आधे से भी आधा हो गया। अब हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और वैसे भी आइसक्रीम में कम मीठा अच्छा नहीं लगता, तो मीठा तो होना चाहिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए मैंने एक बर्तन में सारे मिक्सचर को उसमें डाल लिया, और अब मैं इसको फ्रीजर में रख रही हूँ ओवरनाइट। और अभी जो टाइम हुआ वो 8 बज गए हैं, तो अभी इसको मैं रात भर फ्रिज में ही रखूंगी, सुबह देखते हैं इसको। ये देखिए अब हमारी जो आइसक्रीम है वो बनके तैयार हो गई है, और अब हम इसको कट करेंगे और टेस्ट कराएंगे मम्मी जी को और राम जी को।